सब्सक्राइब कीजिए फ्री सर्किट लैब को और बेल आइकन को दबाइए इलेक्ट्रॉनिक्स बिगिनर से मास्टर बनने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री सर्किट लैब। तो आज हम बात करेंगे ये ब्लूटूथ कार्ड के बारे में। ये उदय कंपनी का बहुत ही चीप है, ये बहुत ही चीप एक ब्लूटूथ कार्ड है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे, इसका प्राइस क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है और इसका कनेक्शन कैसे होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप अगर मेरे चैनल का वीडियो अगर आपको पसंद है तो देख लीजिए, आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरा जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इसका प्राइस का बात करें तो ये इस कंपनी का इस वेरिएंट का प्राइस है 150 रुपीज़, 150 रुपये में मुझे मिल गया यहाँ पे लोकल स्टोर में। तो अगर आप आदर्श कंपनी का और आदर्श ब्रांड का लेते हैं तो आपको प्राइस ज़्यादा हो सकता है, महंगी हो सकता है। तो ये ऐसा एक पैकेजिंग के अंदर आता है, तो इसके ख़रीदने के समय आपको ध्यान रखना होगा ये ब्लूटूथ का निशान यहाँ पे है या नहीं, ये ब्लूटूथ का निशान है या नहीं। ये बिल्कुल वैसा एक कार्ड आता है जो जिसमें ब्लूटूथ नहीं होता है। यहाँ पे ये पिक्चर को देखिए, इसमें ब्लूटूथ मेंशन नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे देखिए ये ब्लूटूथ मेंशन है। तो अगर इस पिक्चर के जैसा आपको बोर्ड मिले तो उसको मत लेना, उसमें ब्लूटूथ नहीं आएगा। और आप पैकेजिंग के अंदर से इसको देख सकते हैं इसमें ब्लूटूथ है कि नहीं, और ये कार्ड भी आपका मदद करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मिलता है दो ऐसा केबल्स और उसके साथ एक रिमोट और ये मेन यूनिट। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, एक फुल साइज यूएसबी जैक मिलता है, उसके साथ एक मेमोरी कार्ड लगाने का जगह मिलता है। मैं इसको पहले से इंसर्ट करके रखा हूँ, तो ये मेमोरी कार्ड का जैक मिलता है यहाँ पे, और ये ऑक्स केबल लगाने के लिए एक कनेक्टर मिलता है, और उसके साथ कुछ बटन्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्प्ले है, और इसके साथ ये जो माइक्रोचिप है, और इधर दो कनेक्टर है, और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये आपका रिमोट का रिसीवर है, ठीक है। तो पहले इसको एक क्विक टेस्ट करके देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं एक एम्पलीफायर सिस्टम लाऊंगा, ये जो एम्पलीफायर है मेरा, इसको यूज करेंगे और इसको टर्न ऑन करते हैं। तो दोस्तों, ये अनफॉर्चुनेटली इसका डिस्प्ले ख़राब हो गया है। इसमें एक छोटा वाला बोर्ड है, ऐसा बोर्ड जो आता है, ये वाला बोर्ड है, और इसका डिस्प्ले को इधर वायर से लगाया इधर पे, तो ये डिस्प्ले ख़राब हो गया, बट ये काम करेगा, ठीक। तो इसको ऐसे रखते हैं, और इधर से हमको 5 वोल्ट पावर चाहिए इसको चलाने के लिए। 5 वोल्ट के लिए मैं ये जो यूएसबी है इसको काम में लूँगा, इस यूएसबी से 5 वोल्ट दूँगा। तो पहले इसको आपका कनेक्शन को बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे देख सकते हैं ये +5 वोल्ट और GND लिखा है, +5 वोल्ट और GND, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है +5 वोल्ट और GND है नेगेटिव। और इधर इस कनेक्टर में आपको मिलता है 3 वायर मिलता है, इसमें जो बीच वाला है, बीच वाला आपका ग्राउंड है, और ये जो बाहर में जो DACR है ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर राइट, ठीक है, राइट वाला चैनल है। और ये जो अंदर जो है छुपा हुआ वो है DACL, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लेफ्ट, ठीक है। तो ऐसा आपको मिलता है, इसको खोल के दिखाऊंगा तो बेहतर दिखेगा। तो ये देखिए, और ये लास्ट में जो आता है ये एंटेना का कनेक्शन है, FM एंटेना। तो ये DACR, AGND और DACL, AGND का मतलब है एनालॉग ग्राउंड। तो बीच वाला जो आपका ग्राउंड है, और ये बाहर वाला ये राइट चैनल है और ये लेफ्ट चैनल। तो उसके लिए आपको इस वायर को इधर इंसर्ट करना होगा ऐसे, उसके बाद आपको बीच वाला ग्राउंड और ये लेफ्ट और राइट दो चैनल मिलता है, और इसको आप यहाँ पे फिट करेंगे। उसके बाद आपको ये वायर आपका पॉजिटिव है और ये डॉट डॉट वाला वायर नेगेटिव है। दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे एक यूएसबी को कनेक्ट कर दिया, ये आपसे 5 वोल्ट मिलेगा यूएसबी से। तो आपको इसके लिए पहले ध्यान में रखना होगा कि पॉजिटिव वाला वायर आपका इस +5 वोल्ट में जाता है कि नहीं।
ये अगर आपका रिवर्स हो गया तो आपका ये बोर्ड ख़राब हो जाएगा, ये रिवर्स पोलैरिटी को सहन नहीं कर सकता। मेरा एक ब्लूटूथ हेडफोन ख़राब हो गया था रिवर्स पोलैरिटी की वजह से, तो आप इसको ध्यान दीजिए पहले, उसके बाद आप इसका कनेक्शन कीजिए, ठीक है। तो आप मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे और पावर दूंगा, ये देखिए ऐसे करके ये ऑन होता है। दोस्तों इसको क्विक टेस्ट कर लेते हैं, तो मैं इसको पावर ऑन कर दिया रिमोट से। टीएफ कार्ड, ये टीएफ कार्ड से भी चलता है। उसके बाद आप यहाँ पे मोड दबाएंगे, एफएम मोड, ये एफएम से चलता है। एयूएक्स मोड, ब्लूटूथ, प्ले बाय टीएफ कार्ड। तो इतने सारे इसका मोड मिल जाता है आपको, तो इसको मैं पहले इसको टेस्ट करते हैं, एफएम टेस्ट करते हैं। एफएम मोड, अब इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और इसका दूसरा एंड मेरे फोन से कनेक्टेड है, तो इसमें गाना चलाऊंगा, देखिए ये भी काम कर रहा है। और अब आता है ब्लूटूथ मोड, ब्लूटूथ मोड, तो इसको निकाल देता हूँ और फोन से कनेक्ट करता हूँ ब्लूटूथ को। तो इसका ब्लूटूथ अब कनेक्ट हो गया, अब इसमें गाना को चलाऊंगा। इसके अंदर ऐसा कुछ फंक्शनलिटी आपको मिलता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये चीप वाला ब्लूटूथ कार्ड क्या आप खरीदना चाहोगे, या फिर इसका महंगा वर्सन अगर मिलता है तो खरीदेंगे, तो वो भी आप कमेंट में बताइए। और फिर से एक बार बोल देता हूँ, अगर मेरे चैनल आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे मोटिवेशन दिलाइए। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसको लेके आपको दिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको बेल आइकन को दबा के रखना है, ठीक है।